और इधर रहा पड्डू, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोग के एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो सुबह में तो मैं आज ब्लॉग नहीं बनाई, तो चल आशू मेरा जा रहा है, देखिए बैग आशू पकड़ा है, बैग पकड़ा है ना, ये देखिए आशु गोदी में जा रहा है। आज आशु ब्लैक कपड़ा डाला है, ब्लैक कलर। किनको किनको पसंद है बोल दो जल्दी से। अंधेरा है यहाँ पे सीढ़ी में, क्योंकि 5:30 हो गया है और लाइट नहीं जलाया। उधर कितना बड़ा डॉग जा रहा है ना। हम लोग मार्केट से आ गए और इधर है गार्डन। आशु बोल रहे थे गार्डन जाएंगे। मार्केट में आज सब्जी ज़्यादा नहीं था, इसीलिए हम कुछ भी नहीं दिखाए। तो दोस्तों हम आ गए और थक गए, थर्ड फ्लोर चढ़ते चढ़ते सांस फुल हो गया। तो देखिए सब्जी क्या क्या लाया, आप लोग को दिखाते हैं। और मार्केट ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन ना मार्केट लगा कुछ भी नहीं था, सब्जी बहुत कम था, लोग बहुत ज़्यादा थे खरीदने के लिए। बेंगलोर का मार्केट है लेकिन गाँव जैसा नहीं लगता है, रोड पर लगता है बहुत छोटा वो भी। और टमाटर का रेट हुआ है 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, आपको दिखाते हैं। सभी जगह में टमाटर का भाव बढ़ा हुआ है, पता है। तो ये हमने लिया मूली का साग, देखिए ये मूली का साग 20 रुपये का। इधर ऐसा ही मूली मिलता है, गांव जैसा देसी वाला मूली नहीं मिलता, इसमें मूली नहीं है, थोड़ा बहुत है। देखिए ये मूली का साग, और ये लिए 1/2 किलो भिंडी। ये 1/2 किलो भिंडी कितने का है पता है? 20 रुपये का, देखिए उतना ठीक है फिर भी, क्योंकि 60 रुपये किलो था तो हमने 40 वाला लिया। और ये 40 रुपये किलो का एक पोवा लिए, बस 10 रुपये का मूली। और ये भिंडी 1/2 kg, उसमें भी थोड़ा मूली है। और ये देखिए जिसका भाव बढ़ा हुआ है टमाटर, ये है 50 रुपये का टमाटर, ये देखिए छोटा छोटा, वो उसमें भी वो देखिए छांटने नहीं दे रहा था, ऐसे ही लेना है, बिना छुए लेना है ऐसे बोल रहा था। फिर भी हम छांट के लिए, देखिए मतलब इतना अच्छा नहीं है फिर भी, 50 रुपये का 1/2 किलो। और सब्जी नहीं था तो हम जो कट कट करके रखे रहते हैं, ये भी फ्रेश ही है, अच्छा है, तो अभी बनाना है इसको, बस वो लोग काट काट के बेच रहे थे। देखिए अच्छा है, फ्रेश है, उतना ख़राब भी नहीं है। तो ये 10 रुपये का, ये भी मतलब 10 रुपये का गुड्डा बोलते हैं इधर कर्नाटक में, रख के बेचते हैं ऐसा। तो ये लिए, और ये ना हमारा चूड़ी टूट गया तो हाथ कट गया। और यहाँ पे देखिए मेरा आशू आ गया, ये अपने लिए दुकान गया था चॉकलेट लेने। और इतना छोटू छोटू करेला लिए पता है हम लोग, ये भी 10 रुपये का, मतलब अगर बोले तो 80 रुपये किलो ये भी, लेकिन हम वजन करा के नहीं लिए हैं, बस इसको ऐसे फ्राई करके खाने के लिए ले लिए थोड़ा सा। और आलू प्याज लिए हैं, प्याज है 20 रुपये केजी, और आलू भी है 20 रुपये केजी, देखिए आलू भी 20 रुपये केजी। और ये लिए मटर दुकान से, इतना सब्जी ही सिर्फ 200 का है, बताइए सब्जी क्या है, ये 200 का है। और इधर जो दाल लिए हैं, विम जेल लिए हैं, ये इतना है 175 रुपये का, मतलब ये भी 200 का हो गया, क्योंकि हमने 20 रुपये का लिया है पड्डू खाने के लिए। और यहाँ पे लिया हमने 1 kg केला 40 रुपये, देखिए इतना लिया। ये 2 छोटू सा करेला, और एक टमाटर, प्याज और आलू, और 1 रुपये वापस आया। 200 400 हो गया, बताइए अभी 400 में इतना सामान आया, महंगाई देखिए। कमाने वाले एक और खाने वाले हम दो, भिंडी अच्छा है, देखिए इतना सा लिए। और उधर हम गोभी मंचूरियन भी खाए 20 रुपये का 1/2 प्लेट, क्योंकि भूख लग रहा था तो खा लिए उधर ही। 1 kg प्याज और आलू लिए हैं, देखिए ये करेला छोटू छोटू, इसको हम फ्राई करेंगे, इसको सांभर बनाएंगे, और ये भिंडी को भी सूखा सब्जी बनाएंगे, और इसको मूली को, सब सूखा बनाने वाला है बस।
तो चलिए आप लोग को पड्डू खिला देते हैं हम। पड्डू इसमें है, साउथ इंडियन डिश है पड्डू। हाँ तो देखिए ना, हम तो कर लिए 1 2 3 4 5। आपको कौन बोला गिनती करने के लिए? आप खाओ ना चुपचाप, देखिए कैसे ताम झाम किए हैं आंसू। तो देखिए दोस्तों, चटनी है, ये चटनी है नारियल और लाल मिर्च को ना तेल में फ्राई करके बनाते हैं। और इधर रहा पड्डू, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, आइए दोस्तों पड्डू खा लीजिए हमारे साथ। 20 रुपए का है देखिए, तो 20 रुपए का तो फिर से ज्यादा कर दिया क्योंकि कोई खा नहीं रहा था। एक दिन 3 दिया था, फिर से 10 रुपए का 4 बना दिया। देखिए आंटी ने इसमें प्याज वगैरह सब डाला रहता है। और सबसे पहले हम आपको एक खिला देते हैं हमारे दोस्तों को, खा लीजिए। अभी खिलो, आपको एक खिलाएंगे। हमारा सब्जी इधर है, बोल दो। बहुत टेस्टी है।